धर्मराज री कहानी हेंग जना उन जो सा धर्मराज री कहानी घणी कॉम आवे वो शैतानी होती थी सुके भाई सुंदर भाई तो ये एक रा घर में धन गणा है तो सुंदर भाई रा घर में पर मन थोड़ा कंजूस है तो फिर सुंदर भाई को नहीं हो तो दुजोड़ी कने धन कम है तो भाई सुके भाई ये मनु थोड़ी अमीर रहती रोज सुबह सुबह उठती ने गंगा स्नान करता दो ही जनियो तुलसी माता रो तुलसी माता हिस्सा वडला पीपल हिस्सा भगवान रा मिंदर जाए ने पूजा करता धर्मराज जी सूरज भगवान की कहानी सुनता भगवान ने भोग लगावता मैं आप आयोडा मेहमान ने जिमाए ने मिलता गाय कुत्ता ने सारो देता रोटी देता दूसरी सेटोनी और धर्मात्मा ने देखना हंसती सुंदर भाई हमेशा हंसता रिकॉर्ड क्यों दिन भर करती रहे क्यों दिन भर दौड़ती रहे तो थोड़ा टाइम कियो दो ही एटोनियों ने भगवान बुलाया क्या आटी आओ सुंदर सुखी आटी आओ धर्मात्मा एटोनी रे तो यमराज विमान भेजियो ने दुजोड़ी रे दूत मारने आया तो रास्ता में जाती एटोनी बोली कि माने मने तो भूख लगी है ए दूध बोलिया कि कनी कोई दीदो तो कोई कदी जिंदगी में तो फस बोली कि मने तर लगी तो दूध बोलिया कि पानी पिलाया तो कोई कनी तो मिल लीला तो रास्ता में मने कोटा चुभन लगा गर्मी पड़न लगी घणो तावड़ो पड़ियो तो दूध मने घसीटता ही लेन जावे तो हमें सेठोनी घणी पछतावा दुखी कि सब कुछ वह तो कोई मेरे को दान धर्म नहीं की दो तो इतना में यमराज रा दरबार आई गया तो धर्मात्मा बुढ़िया ने भगवान रा सिंहासन मिलिया भगवान माते बैठी थी वटी ने दूसरे सेठोनी ने तब तो कुंड मिलियो बात हमें उकड़े बन कुंड में मार नौ किया हमें सेठानी यमराज ने बोली कि मने सवा मोर रो जीवन दान दो भगवान मैं पास ही जाए मारो दंड भोगे ने पास ही आऊ तो यमराज बोलिया ठीक है सेठानी ने शरीर में वापस प्राण डाल दिया संसार में आओ तो ही ने पंडितों ने बुलाया सेठानी धर्मराज जी की कथा सुनी हैं तरे रो दोन धर्म की दो है नकल आएगी इतना में समय पूरो वेगियो हम के बार विमान आयो सवा पैर रो दोन धर्म ने सेठानी ने स्वर्ग मिलियो तो धर्मराज जी ने सेठानी माते ऐडी कृपा की दी है जी कण हेंगो माते कर जो बावसी हो जय बोलो धर्मराज जी जय जय माता नुपा का